डोंट बाय इन्फिनिक्स जी टेन प्रो फॉर गेमिंग। तो गाइस मैं आप लोग कब से बोल रहा हूँ इन्फिनिक्स जी टेन प्रो मत लो मत लो, क्योंकि आप लोग तो मेरा बात सुनना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा यूट्यूबर पर, मेरा बात सुनने आपके क्या फ़ायदा। इससे तो अच्छा आप लोग बड़ा बड़ा यूट्यूब पर का वीडियो देखो, अरे उन लोगों को पैसा मिलता है गाइस, हम लोग को कुछ भी नहीं मिलते। हम लोग सच बताते हैं इसलिए हम लोग को झूठे गालियाँ पड़ते हैं। तो गाइस फिर से इन्फिनिक्स जी टेन प्रो के अंदर एक न्यू प्रॉब्लम आ गया। तो गाइस आप लोग भी सोच लो, ऐसा प्रॉब्लम दिन के दिन आ गया तो इन्फिनिक्स जी टेन प्रो कैसे चलेगा हमारा। तो गाइस मैं पहले आप लोगों को बोला था इस इन्फिनिक्स जी टेन प्रो का अंदर डेट प्रॉब्लम हुआ था, हीटिंग प्रॉब्लम हुआ था, अभी एक न्यू प्रॉब्लम आ गया। तो गाइस आप लोग एक बार देखो, ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ा तो हम लोग क्यों बाय करेगा इन्फिनिक्स जी टेन प्रो। बट आप लोग तो मेरा बात मानना ही नहीं चाहते, सब कुछ सब वीडियो के अंदर बोल दो प्रूफ दिखाओ प्रूफ दिखाओ। अरे मैं आप लोगों को फ़ोटो तो दिखाता हूँ ना, एंड उस फोटो आप लोग को फेक लगता है, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, बट आप लोग को मैं रियल दिखाता हूँ। मैं बहुत लोगों को बोला मेरे को वीडियो भेज आपका इस प्रॉब्लम हो गया तो, बट उन लोग तो वीडियो एकदम ही नहीं भेजता है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ मेरे को बोलता है अरे तू तो छोटा यूट्यूबर तेरे को क्या भेजो, सिर्फ बोलता है एंड फोटो भेजता है बट वीडियो नहीं भेजता है। तो गाइस अभी वीडियो का छोड़ दो, अभी आता हूँ न्यू प्रॉब्लम्स जो है। तो गाइस फिर से मेरे को फ़ोटो भी भेजा है, मेरे को कोई वीडियो नहीं भेजा। तो आप लोग फोटो तो देख लो, और न्यू जो प्रॉब्लम है वो एक बार मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। तो गाइस जो न्यू प्रॉब्लम है वो है टास्क प्रॉब्लम, एंड ये सिर्फ और सिर्फ बीजेएमआई के अंदर नहीं हो रहा है, ये यूट्यूब पर भी चल रहा है। ऐसा यूट्यूब नहीं चल रहा है मतलब टच नहीं हो रहा है, बट बीजेएमआई के अंदर हमारा बीजेएमआई है, क्योंकि हम लोग सिर्फ गेमिंग के लिए मोबाइल खरीदा, कोई भी यूट्यूब चलाने के लिए नहीं। तो बीजेएमआई के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बीजेएमआई का जो हम लोग स्कोप ऑन करते हैं ना, वो स्कोप ऑन करने के बाद जो क्या बोलते हैं जो जायरोस्कोप का जो मूव है वो नहीं हो रहा है, मतलब एकदम ही मूव नहीं कर रहा है। मतलब जो 0% मतलब 0.5% जो मूव होता है वो एकदम ही नहीं हो रहा है। मतलब रेडमी का और एक मोबाइल है उसका पास ही उस मोबाइल के अंदर हो रहा है, बट इस मोबाइल के अंदर एकदम ही नहीं हो रहा है। मतलब जो जायरोस्कोप का जो स्कोप है वो जब हिलाते हो ना वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे हमारा एम जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है, एंड सिर्फ यही नहीं है, सोचो आप लोगों के पास कोई भी M4 AKM M16 जो भी है, आप सोचो टैप टैप करके कोई भी बंदे के मारना चाहता हो आप लोग, एंड आप लोग जब मारोगे तब नहीं मारेगा, मतलब टच ही नहीं होगा। तो गाइस आप लोग कोई सोच लो, टच ही नहीं होगा तो हम लोग क्यों बाय करें, एंड टच ही तो मेन है, एमोलेड का क्या फ़ायदा है एमोलेड देने का, टच ही नहीं हो पाता हूँ। तो गाइस मैं पहले आप लोग बोला था इन्फिनिक्स जी टेन प्रो मत लो, क्योंकि इन्फिनिक्स वालों ने कभी भी गेमिंग फोन नहीं निकला, एंड ऐसा ही करते रहते हैं उन लोग, कम प्राइस में अच्छा मोबाइल दे दिया, मतलब अच्छा मोबाइल नहीं अच्छा प्रोसेसर दे दिया, एंड बाद में लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। सोचो 50,000 10,000 20,000 सब का अंदर इन्फिनिक्स वालों ने हाथ लगाया, मतलब सब मतलब क्या बोलूँ, मतलब बाहर अच्छा दिया अंदर एकदम काला है। मतलब 10,000 के अंदर एक मोबाइल है जिस मोबाइल के अंदर 108 MP का कैमरा दिया है, तो लोग सब लोग बाहर का चीज़ देख के बाय करेगा, बट अंदर एकदम कुछ भी नहीं है, मदरबोर्ड एकदम कमी है, लोगों को एकदम चुतिया बना रहा है इन्फिनिक्स वालों ने। तो और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, एंड इसका बाद भी आप लोगों को मेरा बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आई डोंट माइंड। तो गाइस मैं यार कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ, इसके बाद अभी भी बहुत सारा मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो इसका बाद भी बहुत सारा वीडियो आएगा मेरा चैनल पे, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है ये महीना के अंदर 2-3 बार आता ही रहता है, मतलब आएगा ही आएगा। तो और क्या चाहिए इन्फिनिक्स वालों का, तो मेरा क्या फ़ायदा, मेरा तो कंटेंट हो जा रहा है, मेरा वीडियो हो जा रहा है डेली, ऐसा काम करते रहो इन्फिनिक्स वालों ने, मेरा तो व्यूज आ जाएगा। तो मैं इन्फिनिक्स कंपनी को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, देखो मैं बहुत ही छोटा यूट्यूबर बट मैं सब कुछ ध्यान देता हूँ, आप लोग क्या कुछ करना चाहते हो इस मोबाइल का अंदर। तो गाइस मेरे को मालूम है आप लोग इस इन्फिनिक्स जी टेन प्रो का अंदर जो मदरबोर्ड है वो बहुत ही काम देती है। तो गाइस मैं इन्फिनिक्स वालों को एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरे को मालूम नहीं है इस वीडियो उन लोग
देखेगा क्या नहीं, बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो है मेरे को लगता है आप लोग इस इन्फिनिक्स जी टेन प्रो का अंदर एकदम कम पावर वाला मदरबोर्ड दे दिया, एंड ये मेरे को एकदम श्योर लगता है, श्योर एकदम मैं श्योर हूँ, आई प्रूव्ड आई कॉन्फर्म्ड आप लोग एकदम काम वाला मदरबोर्ड यूज़ किया गया है इस इन्फिनिक्स जी टेन प्रो का अंदर। तो गाइस अगर इस वीडियो सोचो इस वीडियो थोड़ा सा भी वायरल हुआ तो मैं इन्फिनिक्स कंपनी को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग क्यों इस इन्फिनिक्स जी टेन प्रो का अंदर एकदम कम पावर वाला मदरबोर्ड यूज़ किया हो। अगर ये सच है तो आप लोग बोल दो, अगर सच नहीं है तो आई डोंट नो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। एंड आप लोग बोल रहे हो इन्फिनिक्स जी टेन प्रो के अंदर एक न्यू अपडेट आएगा, उस न्यू अपडेट आप लोग काट दिया तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे भाई कब से वेट कर रहा हूँ, अभी तक अपडेट नहीं आया और कितना दिन तक वेट करूँ। तो वैसे आप लोग वेट करते जाना, इन लोग कभी भी अपडेट नहीं देगा, एंड अपडेट दिया तो कोई भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिक्स वालों ने ऐसा ही करता है। पहले आप लोग बोला था कोई विश्वास नहीं करता है, अभी सोचो क्या करे। तो इस वीडियो देखने का बाद भी कोई बंदा सोच रहा है इन्फिनिक्स जी टेन प्रो ले लूँ तो उससे देवा को आज तक मैंने कभी तक नहीं देखा, ठीक है। वीडियो आएगा गाइस, वीडियो आएगा, वेट करो, क्योंकि अभी दिवाली फेस्टिवल बहुत सारा सेल आएगा, एंड इन्फिनिक्स वालों ने सोच रहा है बाजार ले लूँ, वेट करो इन्फिनिक्स वालों, तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो आएगा, बहुत वीडियो। एंड चुतिया बना रहे सब लोगों को, सब कुछ आप लोग का फिक्स हो जाएगा, शो हो जाएगा, सबका सामने शो हो जाएगा आपका फिक, आपका चुतिया बन। तो गाइस आज का वीडियो करना सिर्फ यही बोलने वाला था, इन्फिनिक्स जी टेन प्रो नहीं, इन्फिनिक्स का कोई भी मोबाइल आप लोग बाय मत करो। तो गाइस मैं आप लोग को एक रियल बात बताने वाला हूँ, इस रियल बात अभी तक कोई भी यूट्यूबर नहीं बोला, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, वो बात यही है, आप लोग आपका घर का आसपास जो भी लोग इन्फिनिक्स कंपनी का मोबाइल बाय किया उससे डायरेक्ट पूछ लो इन्फिनिक्स फ़ोन कैसा होता है। उन लोग अच्छा बोला तो मैं यूट्यूब चलाना छोड़ देंगे, ये मैं आप लोगों को बोलता हूँ। इन्फिनिक्स वालों ने ऐसा कोई भी मोबाइल नहीं निकला जिस मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम नहीं आया, सबसे ज़्यादा चूतिया फोन इन्फिनिक्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा घर के आसपास भी बहुत सारा इन्फिनिक्स लिया था एकदम फास्ट में जब इन्फिनिक्स का न्यू मोबाइल लॉन्च हुआ था, एंड तब से आज तक जो भी बंदा एक बार इन्फिनिक्स लिया वो घुर के भी दोबारा नहीं लेगा, क्योंकि उनको सबक मिल जाता है तो बाद में क्या लेगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड सब्सक्राइब आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि आप लोग सोच लो दिवाली के अंदर आप लोग जो भी लोग फ़ोन लेना चाहते हो इस वीडियो इग्नोर मत करो, इस चैनल को इग्नोर मत करो, इसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हो सकता है फिर से इन्फिनिक्स जी टेन प्रो के अंदर एक न्यू प्रॉब्लम आता है, ठीक है। एंड उस न्यू प्रॉब्लम के अंदर मैं पूरा डिटेल वीडियो लेकर आता हूँ, मतलब पूरा मोबाइल समेत, मतलब पूरा मोबाइल शो करके इन्फिनिक्स का जो भी वीडियो है वीडियो बना के, तो उसके लिए अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ही फ़ायदा होगा। एंड जब भी इस इन्फिनिक्स जी टेन प्रो के अंदर एक न्यू प्रॉब्लम आएगा इस चैनल पर जरूर वीडियो आएगा। तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो गाइस चलो टाटा बाय बाय, आप लोग अच्छा रहना। तो गाइस चलो।